जय हिंद साथियों, मैं अमित कुमार आप सभी का बनी ब्रिलियंस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि साइंस सीरीज हमारे द्वारा रोज आपके लिए लाई जा रही है, और आज भी हम एक साइंस सीरीज लेके आप लोगों के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष इकाई है द यूनिट ऑफ लाइट ईयर इज। अगर बात की जाए बच्चे प्रकाश वर्ष की बात की जाए, या बात की जाए बच्चे आपकी दूरी की बात की जाएगी जब, तो इसके दो यूनिट होते हैं। एक आपका प्रकाश वर्ष है और एक और यूनिट होता है, वो होता है पारसेक। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अधिकतम दूरी मापने के लिए कौन से यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, तो अधिकतम जो दूरी है वो किससे मेजर की जाती है बच्चे? पारसेक से मेजर की जाती है। खगोलीय दूरी पूछी जाती है तो पारसेक से की जाएगी। और वैसे जो है दूरी का यूनिट कौन है, वो प्रकाश वर्ष है। तो आंसर जो रहेगा वो फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे की ओर चलते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है? तो अगर प्रेशर की बात करें बच्चे, तो प्रेशर जो है इट्स डिपेंड ऑन हाइट। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे प्रेशर कम होता है। जैसे जैसे हाइट क्या होती है बच्चे, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे प्रेशर जो है वो कम होगा। जैसे जैसे हाइट क्या होगी बच्चे, कम होगी, वैसे वैसे प्रेशर ज्यादा होगा। पर आपसे यहाँ पूछा गया है कि जो साबुन का जो झाग बनता है और उसके बुलबुले बनते हैं, उनका प्रेशर जो वो अधिक है या कम है? देखिए, जब प्रेशर अगर कम होगा तो वो बुलबुला जो फट जाएगा। इसीलिए जो है वायुमंडलीय दाब जो है वो उसका क्या होता है बच्चे, अधिक होता है। तो जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो रहेगा ए ऑप्शन। लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि जो आपका साबुन के बुलबुले हैं ये किस लेंस की तरह काम करते हैं, किस लेंस की तरह काम करते हैं? ए ऑप्शन है आपके पास कनकेव मिरर, या जिसे आप अवतल दर्पण बोलते हैं, और दूसरा जो है वो है बी ऑप्शन है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर बोल दें या उत्तल दर्पण बोल दें। तो जो आंसर आपने कमेंट बॉक्स पे बताना है कि जो बुलबुले होते हैं वो किस लेंस की तरह काम करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? अगर पलायन वेग की बात करें, या एस्केप वेलोसिटी जिसे बोला जाता है, एस्केप वेलोसिटी का मतलब है कि कोई चीज जो है वो पृथ्वी को छोड़ के चली जाएगी। तो वो कब जाएगी? जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बच्चे, अगर आप मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं और आपके हाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट है, और आपने उसको आसमान की ओर कितनी स्पीड के साथ फेंका बच्चे, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में आपने अगर 11.2 किलोमीटर की रफ्तार से फेंक दी, तो वो चीज जो है वो एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके कहाँ चल जाएगी बच्चे? सरफेस में चली जाएगी, स्पेस में चली जाएगी, सॉरी स्पेस में चली जाएगी। तो जब वो चली जाएगी तो वो वापस नहीं आएगी। तो आपको पता है जो आपके जितने भी सैटेलाइट हैं, अगर ये उधर भेजे जाते हैं, तो उसमें कितने की स्पीड से ऑब्जेक्ट को भेजा जाता है अर्थ से? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से यहाँ से ऑब्जेक्ट को भेजा जाता है, और वो जो है इसी को पलायन वेग कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। देखिए, बात की है रिलेटिव डेंसिटी की, या बात की जाए डेंसिटी की, घनत्व जिसे बोलते हैं बच्चे। अगर बात की जाए घनत्व की, तो घनत्व की बात की जाए कि सबसे ज्यादा किस टेम्परेचर पर होता है बच्चे, तो किस टेम्परेचर पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। देखिए बच्चे, ऐसा क्यों है? मान लीजिए कि ये आपका स्केल है और यहाँ पे जो है पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर है। तो जब 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी होगा, ना तो वो जमा होगा और ना ही वो आपका बिल्कुल दूसरी अवस्था में होगा, गर्म वाली पानी जैसे बॉइल करते हैं, जैसे आपने आग जलाई, और इसका टेम्परेचर जो वो लगभग कहाँ पहुंच गया बच्चे? 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। जैसे इसका 4 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, तो इस टेम्परेचर पर जो है वो घनत्व आपका सबसे अधिक माना जाता है, और इसके बाद जो है वो धीरे धीरे क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। घनत्व क्या कर जाता है बच्चे? डिक्रीज कर जाता है। यह टॉपिक जो है एनोमलियस बिहेवियर ऑफ वॉटर से पूछा जाता है, और बहुत ज्यादा पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो आइए इसका जो आंसर रहेगा बच्चे वो रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस ए ऑप्शन इसका रहेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है, उनका क्या काम होता है? जो आपके बादल जो हैं ये ऊपर ही क्यों तैरते हैं, नीचे क्यों नहीं आते हैं? ये सब खेल किसका है बच्चों? ये सब खेल है घनत्व का, जिसे इंग्लिश में डेंसिटी बोलते हैं। तो बादलों की जो डेंसिटी है वो कम होती है, इसीलिए जो है वो क्या कर पाते हैं, बादल जो है वो ऊपर जो है और आसमान में रह पाते हैं, यही इसका कारण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश तंतु, अगर बात की जाए ऑप्टिकल फाइबर, तो आप लोगों ने ये फाइबर का नाम तो आपने सुना ही होगा,
अगर फाइबर की बात करूं तो बच्चे आपने एक कंपनी का नाम सुना है आजकल, वो क्या लगा रही है, जियो, जियो फाइबर के नाम से सुना होगा आप लोगों ने, जियो फाइबर के नाम से सुना होगा। तो आप देखो जब भी आजकल जैसे ये भी 5G लॉन्च होने वाला है, तो 5G की बात कर रहे हैं, तो देखिए आपने सड़कों के किनारे किनारे उन्होंने खोद दिए हैं, जिसमें वो क्या है दोबारा लाइन डाल रहे हैं। नहीं, उससे क्या होगा बच्चे, जब नेटवर्क को भेजा जाता है, मान लीजिए ये एक आपकी पाइप है, ये आपकी पाइप है, और इसमें क्या करते हैं बिल्कुल छोटी छोटी, बिल्कुल इतने मतलब हमारे बालों के बारीक जितनी तारें डाली जाती हैं, जिससे क्या होता है कि नेटवर्क जो है वो यहां से इस जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है। और ये सारा काम किस पे करता है बच्चे, टोटल TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये काम करता है। तो चाहे हमारे नेटवर्क की बात की जाए, चाहे जियो फाइबर की बात की जाए, तो जितनी भी बात की जा रही है ये सारी किसकी हो रही है बच्चे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही जो है वो ऑप्टिकल फाइबर्स से जो है नेटवर्क एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। तो इसका जो आंसर रहेगा 6th क्वेश्चन का, वो ए पार्ट रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निकटतम दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है? तो बेटा इसका मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूं, कुछ बच्चे नए जुड़े होंगे हमारे साथ और कुछ पुराने भी होंगे और कुछ हमारे से ऑफलाइन भी पढ़ते हैं। तो अगर बात की जाए इसके ट्रिक की बच्चे, तो ट्रिक क्या है इसका कि जो लिखा है वो दिखेगा, जो लिखा है वो दिखेगा। अब आप बोलोगे सर ये कुछ समझ नहीं आया, जो लिखा है वो दिखेगा, ऐसा क्या चीज है? देखिए बच्चे तीन प्रकार के दोष होते हैं आई से रिलेटेड, आंख से रिलेटेड। एक तो होता है आपका निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष बोला जाता है। एक होता है आपका दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष बोला जाता है। और एक होता है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष बोला जाता है। तो ये जो है ये तीन आपके रोग है, मायोपिया आ जाएगा जिसमें आपका, ठीक है, हाइपो मायोपिया आ जाएगा एक, ये आपके जो है आई से रिलेटेड बीमारियां हैं और पूछी जाती है। मैंने बोला जो लिखा है वो दिखेगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है बच्चे, निकट की चीज तो दिखती है लेकिन दूर की नहीं दिखती। देखो जो लिखा है वो दिख रहा है, जो नहीं लिखा है वो नहीं दिखेगा। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज दिख जाएगी, दूर की नहीं दिखती है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है बच्चे, दूर का तो दिख जाता है, नजदीक का दिखता है, लेकिन जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, ना तो दूर का दिखता है और ना ही पास का दिखता है। तो अगर बात की जाए किसकी, निकट दृष्टि दोष की, तो इसको दूर करने के लिए बच्चे कनकेव मिरर या अवतल दर्पण का, कनकेव कनकेव मिरर या अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। दूर दृष्टि के लिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर जरा दृष्टि की बात करूं तो बायफोकल लेंस, बायफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जो बायफोकल लेंस बोलते हैं, या दुई लेंस भी बोला जाता है इसे, दुई फोकल लेंस भी बोला जाता है, जिसमें कि उत्तल और अवतल दोनों इकट्ठे होते हैं, उत्तल और अवतल दोनों इकट्ठे होते हैं, उसके कारण ही आपका जरा दृष्टि दोष जो वो आपका दूर होता है। लेकिन एक मोतियाबिंद भी होता है, मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जो आई से रिलेटेड है बच्चे। तो आइए इसका जो आंसर रहेगा यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके हिसाब से इनमें से कोई नहीं, और आंसर जो रहेगा बच्चे आपका वो कौन सा रहेगा, अवतल लेंस का इस्तेमाल होगा इसमें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चल सकती हैं? तो अगर बात की जाए बच्चे लाइट की, या बात की जाए साउंड की, साउंड की बात की जाए तो इसका हवा में जो स्पीड है बच्चे 330 मीटर पर सेकेंड है, और लाइट की बात की जाए तो 3.0 × 10⁻¹ पर। ये कहां पर है बच्चे, ये है निर्वात में। निर्वात समझते हैं बच्चे, नहीं समझते तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा और एक छोटी चीज बताऊंगा आप लोगों को। निर्वात का मतलब होता है बच्चे वैक्यूम, वैक्यूम इंग्लिश में और हिंदी में निर्वात मतलब कोई ऐसी जगह जहां पर कोई भी मीडियम नहीं है। आप स्पेस में चले जाते हैं और आपने देखा होगा जो भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो जब बात करते तो एक दूसरे की बात वहां पे सुनाई नहीं देती है, क्योंकि वहां पे क्या नहीं है, एटमोस्फेयर नहीं है। और ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए बच्चे, एक स्पेस चाहिए, एक सॉरी एक सर्फ एक आपका कोई ना कोई मीडियम चाहिए जिससे कि ध्वनि निकल सकती है। आप देखो जब आपकी जेब से या हाथ से 1 रुपए का सिक्का गिरता है तो आपको आवाज आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सरफेस और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट चाहिए चाहिए, और ऑब्जेक्ट वहां पे नहीं है निर्वात में, इसीलिए निर्वात में जो है वो साउंड ट्रैवल नहीं कर पाती है, जिसे ध्वनि बोलते हैं। और सिर्फ निर्वात में क्या है आपकी लाइट जो है वो ट्रैवल कर लेती है, 3.0 × 10⁻¹ इसकी स्पीड रहती है। तो यहाँ पे यही पूछा गया है ध्वनि तरंगे क्यों नहीं चल सकती, कहां पर नहीं चल सकती बच्चे, निर्वात में नहीं, क्योंकि एक देखो आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि ध्वनि जो है वो सबसे ज्यादा किस में ट्रैवल करती है, और आपके पास दो तीन ऑप्शन हो, ठोस दे दूं, एक द्रव दे दूं, एक गैस दे दूं, तो आप सभी झट मतलब पलक झपकते आप मेरे को आंसर दे देंगे कि सर इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ठोस रहेगा, क्योंकि सॉलिड में जो है वो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं, उसी के कारण जो है वो
साउंड जो वो जल्दी ट्रैवल कर जाता है। तो आप आंसर दे दोगे सर ठोस। लेकिन बात निर्वात की जाए तो निर्वात में बिल्कुल भी क्या नहीं है, आपका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और वहां पे जो है वो आपकी ध्वनि तरंगे जो वो नहीं चल सकती हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मेरी अपनी अपनी तरफ से मैंने पूरी 100% कोशिश की है। फिर भी आपको नहीं लगता पता तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर मेरे को बताएं, और जब मैं लाइट चैप्टर कहीं आपको पूरा पढ़ाऊंगा उसमें आपकी एक एक चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोबाइल चार्जर होता है, मोबाइल चार्जर की बात करें बच्चे तो ये क्या है, एक अपचयी ट्रांसफर है। क्या है बच्चे, ये अपचयी ट्रांसफर है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बोला जाता है इसे। और अगर इसकी बात करें तो ये ऑप्शन था बच्चे लिखा हुआ अ स्टेप अप ट्रांसफर ट्रांसफॉर्म। तो अगर इसकी बात की जाए तो देखो अप नहीं होता है बच्चे, ये डाउन है, पीछे से वोल्टेज तो उतनी आ रही है लेकिन वो आपके मोबाइल तक जितनी चाहिए वो उतने कंट्रोल करके उसको देता है। तो इसका जो आंसर रहेगा बच्चे, इसका आंसर रहेगा डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मायोपिया किस अंग का दोषी है? और देखो अगर आपको मायोपिया की बात की जाए, मायोपिया तो आपने एक गाना सुना होगा मेरा पिया घर आया, और जब आपका पिया घर आया आता है थोड़े दिन के लिए आ जाए तब तो बात सही है। लेकिन मायोपिया का मतलब क्या है, जब बोलते हैं कि प्यार हद से बढ़ जाता है तो आप उसको देखते नहीं है बिल्कुल भी, आप देखना नहीं चाहते, वो बोलते दूर हो जा दूर हो जा। ये इसका ट्रिक बता रहा हूं बच्चे याद करने का मैं। मायोपिया का मतलब कि आप अपने पिया को बिल्कुल नजदीक नहीं देखना चाहते, दूर से देखना चाहते हो। तो जो आंसर इसका रहेगा बच्चे वो नेत्र से रिलेटेड है, आई से रिलेटेड बीमारी है ये मायोपिया। इंग्लिश में मायोपिया बोलते हैं और वैसे हिंदी में निकट दृष्टि दोष बोला जाता है इसे। तो निकट दृष्टि दोष मैंने बोला जो लिखा है वो दिखेगा, जो नहीं लिखा वो नहीं दिखेगा। इसीलिए जो आंसर रहेगा बच्चे वो नेत्र रहेगा। और अगर हार्ट से रिलेटेड बीमारी की बात की जाए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि एक मैं आपसे क्वेश्चन यहां पे पूछना चाहता हूं। क्वेश्चन ये है बच्चे पेसमेकर, पेसमेकर जो है वो किससे संबंधित है? ये ऑप्शन ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, पेसमेकर किससे संबंधित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, एक ये बताएंगे आप लोग और एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को देना चाहता हूं यहां पे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईसीजी एंड ईईजी, ईसीजी एंड ईईजी के बीच में क्या डिफरेंस है वो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर नहीं पता लगेगा तो हम आपको आंसर बता देंगे। तो जो ऑप्शन रहेगा बच्चे ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या है आपका, नेत्र आईज, आईज की ये मायोपिया बीमारी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है, इससे पूछा गया कौन सा ऐसा एलिमेंट है या इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो आपका किसका रोग रोग जो ब्लड कैंसर जिसे बोला जाता है उसको कंट्रोल करती है। तो बच्चे ये जो है आपका कोबाल्ट 60, ये आपका ब्लड कैंसर में सहायता करता है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर बात की जाए आयोडीन 131 की, आयोडीन 131 क्या क्या करता है बच्चे, एक आपने रोग सुना होगा घेंगा, घेंगा रोग सुना होगा आप लोगों ने, घेंगे रोग की बात करूं या इंग्लिश में ग्वाइटर बोलते हैं इसे, ग्वाइटर बोला जाता है। ठीक है, गले की यहां जैसे ये यहां पे स्वेलिंग आ जाती है और आपको पता है ये किसकी कमी से होता है बच्चे, आयोडीन की कमी से तो होने वाला रोग है ये। तो आयोडीन 131 एक ऐसी प्रोसेस है जिससे ये पता लगाया जाता है कि गले में कहां जैसे प्रॉब्लम आ गई है, उसके उपचार के लिए इसका है आयोडीन 131 का। ये प्रॉब्लम को डिटेक्ट करता है कहां पर क्या प्रॉब्लम है, इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है आपका लेबोरेटरी वगैरह में या मरीजों के ऊपर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का 11 का वो रहेगा आपका सी पार्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है किसकी? देखिए बच्चे अगर गेहूं की प्रजाति की बात करूं तो एक टुंडू एक नाम है गेहूं का, गेहूं का नाम है एक वन फोर एट जो है टुंडू की बात करूं तो ये किसकी प्रजाति बच्चे, गेहूं की प्रजाति है। और अगर आपसे पूछा गया है 1148 तो ये जो प्रजाति है ये गन्ने की प्रजाति है, शुगर केन जिसे बोला जाता है। ठीक है, शुगर केन इसे बोला जाता है इंग्लिश में। और गेहूं की जो वो टुंडू ये पेपर में पूछी भी जाती है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको आता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, पादप हार्मोन की बात की गई है। देखिए जो ह्यूमन बीइंग है उनमें भी हार्मोन पाए जाते हैं, कौन कौन से हार्मोन है ये आप लोगों को पता ही होगा, और नहीं पता तो मैं पढ़ा भी दूंगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। और अगर बात की जाए देखो साइटोकाइनिन
ये पौधों में पाया जाने वाला है आपका हार्मोन। इथिलीन की बात करें तो ये भी पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन है। और जेबरलीन, जेबरलीन ऐसा हार्मोन है बच्चे, अगर मान लिया कि आपका कोई एक पेड़ है और उसको आपने बीच से काट दिया है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, जब जोड़ोगे या जोड़ते हो तो वो आपस में जुड़ जाता है, तो उसके पीछे घाव भरने का जो काम करता है वो जेबरलीन करता है। लेकिन यहाँ पे पूछा कि कौन सा नहीं है, तो इंसुलिन जो है वो किस में पाया जाता है बच्चे, मनुष्य में पाया जाता है। लेकिन कहाँ पाया जाता है, अमाशय में। अमाशय में कहाँ पाया जाता है बच्चे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अमाशय नहीं, अग्नाशय की बात है यहाँ पे, सॉरी मैं थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे। अग्नाशय या जिसको आप पेनक्रियाज बोलते हैं, पेनक्रियाज की बात करें तो पेनक्रियाटिक रस निकलता है, जहां से तीन हार्मोन निकलते हैं और तीन ही आपके एंजाइम निकलते हैं। तो तीन हार्मोन कौन से, इंसुलिन आ जाएगा, ग्लूकागोन आ जाएगा और स्टोमेटोस्टेन आ जाएगा। अगर तीन एंजाइम की बात करूं तो लाइपेज आ जाएगा, ट्रिप्सिन आ जाएगा और एक और है आपका, ये इसके आ जाएंगे। तो जो आंसर रहेगा बच्चे वो क्या रहेगा आपका, इंसुलिन रहेगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंसुलिन, बहुत बार पूछा जाता है कि इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग जो है, डायबिटीज जिसे बोलते हैं, मधुमेह रोग जो है उसे बोला जाता है। और जीके का एक क्वेश्चन ऐड ऑन करना चाहता हूँ, 14 नवंबर को बच्चे मधुमेह दिवस मनाया जाता है, डायबिटीज डे जो है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है। आई होप ये समझ आ रही होंगी आप चीजें, आपको चीजें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधों के खाने को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, CO2। इसीलिए जो प्रकाश संश्लेषण में अगर गैस उपयोगी में पूछी जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। आई होप आपको ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आ रही होगी। अपना कमेंट जरूर दें हमें और बताएं, अगर कोई कमियां रहती हैं तो आप बताएं हमें क्या कमियां रह रही हैं, और हम पूरी मेहनत करेंगे उनको खत्म करने की और अच्छी इंप्रूवमेंट करेंगे फिर उस चीज पे हम। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कौन सा गैसीय चक्कर नहीं है। अगर गैसीय चक्कर की बात की जाए बच्चे, तो नाइट्रोजन भी गैसीय चक्कर में आता है, ऑक्सीजन भी और कार्बन भी। तो जो ऑप्शन है वो क्या है, नहीं है, फास्फोरस जो है बच्चे वो बिल्कुल भी आपका यहाँ पर गैसीय साइकिल में बिल्कुल भी नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन जो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टिव किए जा रहे हैं कि जो आने वाले जितने भी एग्जाम है आपके लिए वहां पे सभी के लिए उपयोगी होंगे ये। लेकिन जो बेस्ट की बात की जाए तो अग्निवीर जो सीरीज है, जो अभी टेस्ट होगा अग्निवीर वालों का, शायद वो डेट अभी आनी है पर, लेकिन जहां तक हमने न्यूज चैनलों के माध्यम से सुना है तो वो 17 अप्रैल तक बताई गई है। 17 अप्रैल के बाद कभी भी पेपर हो सकता है, उसके लिए ये 15 क्वेश्चन रखे जा रहे हैं। क्योंकि जब आप वहां पे जाओगे और आपका पढ़े में से आ जाएगा आपको, तो आपको उतना प्रेशर नहीं होगा। और आप ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाएं और मॉक टेस्ट पे भी ज्यादा फोकस करें बच्चों, क्योंकि मॉक टेस्ट पे और एग्जामिनर प्रेशर एक अलग चीज है। एग्जामिनर एग्जाम सेंटर में बैठना एक अलग बात है और बाहर आना अलग बात है। तो जब भी आप पेपर दे के आओगे तो आपको तभी ये बोला जाता है कि बाहर आप किसी भी मित्र से मिलेंगे तो यही बोलते हैं कि हाँ हमें आता था यार, ये तो बहुत ईजी आया था। लेकिन आता आपको भी है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता, आता आपको भी है। लेकिन उसको क्या है कि जब आप एग्जाम सेंटर में बैठते तो उधर प्रेशर होता है और उस प्रेशर में तो वो चीजें हैं वो आपको लेके आनी है, भूलना नहीं है वहां पे। और जो जितना अच्छा करेगा वहां पे वो जो है वो सिलेक्टिव हो जाएगा। तो ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एडवाइस है कि आप प्रेशर में ही जो है अपना टेस्ट वगैरह जो है ये आप मॉक टेस्ट लगाएं, डेली के डेली मॉक टेस्ट लगाएं। और हम जो सीरीज लेके आए आप लोगों के लिए, इसको आप डेली प्रैक्टिस करें। पहले यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले होता है, आप पोज कर ले, उसके बाद आप उसको देखें आपको उतने में से कितने आ रहे हैं। अगर 15 में से आप 12 या 13 एवरेज कर रहे हैं स्कोर तो बहुत अच्छा है बच्चे। ये आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एक सजेशन भी रहेगा कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़िए और इस सीरीज को आप ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। और बच्चे जो हैं, जो जैसे देखो यूट्यूब पे हम इसलिए लेके आए हैं क्योंकि जो गरीब बच्चा है वो इस चीज का लाभ उठा सके, किसी को कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकता है वो, तो इस चीज से वो उस तक पहुंचाई जाए कि अगर आपके बोलने से और आपके शेयर करने से किसी की जिंदगी बनती है तो आई होप आप ये सब करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।